अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कमल खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारी हैंग फेंग ग्लिटर के बारे में। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। हैंग फेंग ग्लिटर के बारे में, हैंग फेंग आजकल बहुत 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 इन है। जिसको देखो वो हैंग फेंग हैंग फेंग हैंग फेंग के पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी हैंग फेंग ट्राई करूँ। और बहुत तारीफ़ सुनी थी कि ग्लिटरी आई शेडो के लिए बहुत इजी हो जाता है आपको लगाना, कोई आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई आपका फॉल आउट नहीं होता। ये लिक्विड होते हैं, आपको आईज़ पे लगाने के बाद जो है वो आपका बिल्कुल भी जो है ना कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी क्यों ना हैंग फेंग ट्राई करूँ। और सर्च किया मैंने बहुत सारा फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, तो इसका मुझे बहुत सारे पेजेस पे ये बहुत बहुत इजीली अवेलेबल था। तो मैं आपको ये स्वॉचेज़ इसके करके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने कहाँ से लिया। पहले हम इसके स्वॉचेज़ शुरू करते हैं। इसकी दो सेटिंग आती है, सेटिंग ए और सेटिंग बी। लेकिन मैंने ये किसी भी फेसबुक के पेज पे या इंस्टाग्राम के पेज से नहीं लिया, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है। और मैंने क्यों लोकल मार्केट से लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले हम इसके स्वॉचेस देख लेते हैं, इसकी क्वालिटी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी आपसे जो है वो इसकी प्राइस के बारे में और शेयर करूंगी और बताऊंगी कि मैंने इसको लोकल मार्केट से क्यों लिया और फेसबुक के पेज से क्यों नहीं लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है सिल्वर कलर। इसकी दो सेटिंग होती है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें एक सेटिंग में जो है वो 6 शेड्स अवेलेबल होते हैं। तो मैंने इसकी एक सेटिंग ली है और मैंने इसकी अपनी मर्ज़ी से सेटिंग ली है। लोकल मार्केट से लेने की एक बड़ी मेरी मुझे जो है ना एक प्लस पॉइंट ये मिला कि मैंने इसकी सेटिंग अपनी मर्ज़ी से बनाई। क्योंकि इस सेटिंग में जो है वो ये कलर नहीं था, ब्लैक कलर नहीं था, सिल्वर कलर नहीं था। ये जो आपको ये तीन शेड नज़र आ रहे हैं ना, इसी से मिलते जुलते तीन और शेड्स थे, तो वो सेम मुझे लग रहे थे। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो शॉप वाले को थोड़ा सा मक्खन लगा के जो है ना उस सेटिंग चेंज करवा ली। जो सेटिंग बी की थी उसमें से जो मुझे ये तीन कलर पसंद आ रहे थे तो वो मैंने उससे ले लिया। इसके अलावा इसमें एक ग्रीन कलर भी है, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा। तो ग्रीन मैंने नहीं लिया, उसकी जगह मैंने ये कलर लिए जो बहुत इन है, हर सूट पे चल जाएंगे और इसको हम इजीली लगा भी सकते हैं। तो मैं आपको इसके स्वॉचेस पहले दिखाती हूँ, फिर हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो ये है एक मेरे पास गोल्डन कलर, जो कि बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर है और आप इसको लगा भी सकते हैं, ऑकवर्ड नहीं लगेगा आपको ये लगाने के बाद। तो मैं इसको यहाँ पे स्वॉच करती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत ये गोल्डन कलर है। ठीक है, इसका ये एक कलर हो गया। सारे स्वॉचेस करूँगी मैं वन बाय वन। ये इसका ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बहुत प्यारा लगता है ब्लैक कलर लगने के बाद। ठीक है, उसके बाद ये इसका सिल्वर कलर है। देख रहे हैं हम कितने हसीन ये कलर लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसका पिंक कलर है। ठीक है, उसके बाद ये एक डल गोल्डन कह लें या ग्रे या कॉपर, जो सा आपको अच्छा लगे आप वो कलर कह सकते हैं, एक ये कलर है इसका। ठीक है, उसके बाद एक ये कॉपर कलर है। तो ये सारे मैंने हैंग फेंग के जो है वो ग्लिटरी आई शेड आपके साथ स्वॉचेस करके आपको शेयर किए। ये मैं आपको करीब से भी दिखा सकती हूँ, ये पूरे 6 के 6 शेड्स हैं। नो डाउट ये लगाने में बहुत आसानी से ये लग जाते हैं, बहुत इजीली जो है ना वो हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाते हैं। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो मैं आपको इसको टच करके भी दिखाऊंगी। ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलते, बहुत मज़े के हैं। अच्छा जी, अब मैं आ जाती हूँ इसकी प्राइस की तरफ। जितने भी फेसबुक पेजेस थे और इंस्टा के पेजेस थे वहाँ जो है ना इसकी एक सेटिंग जो है वो 750 की मिल रही थी। और आपको एटलीस्ट एक सेटिंग पूरी लेनी होती है। अगर आप इसमें से चाहें कि हम दो या तीन शेड ले लें तो आप नहीं ले सकते, वो आपको पूरी पूरी सेटिंग्स देते हैं और 750 की ईच सेटिंग होती है। तो मुझे किसी मैंने जाना था मार्केट किसी और काम से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले मार्केट में भी देख लूँ कि मार्केट में इसकी क्या रेट है। तो जब मैं मार्केट गई तो मुझे जो है उन्होंने दो सेटिंग्स दिखाई।
तो मैंने उनसे बोला कि मैं अपनी से आपकी मर्जी से एक आध ले सकती हूँ, जो उन्होंने बोला हाँ ऑफ कोर्स आप ले सकती हैं एक आध जो भी आपको पसंद हो, ज़रूरी नहीं है आप पूरी सेटिंग में। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड भी मैंने बोला कि अच्छा इसकी दो सेटिंग है तो दोनों में से मैं मिला के एक सेटिंग बना लूँ अपनी जो मुझे कलर पसंद है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप दोनों में से एक सेटिंग लेके पूरे अपने छः कलर आप बना सकती हैं। तो मैंने फिर दोनों सेटिंग में से अपनी पसंद के छः कलर की एक सेटिंग बनाई और फिर मैंने ये ले लिया। सेकंड वो मुझे एक जो है ना ये मुझे पूरा पैक वो दे रहे थे आई थिंक 650 का, 650 का मुझे ये पैक मिल रहा था। तो मैंने उनसे बहुत लड़ झगड़ के बहुत मतलब बार्गेनिंग करने के बाद मुझे जो है ना ये पैक मिला 600 में, जबकि मुझे पेजेस पे ये जो है ना मिल रहा था आई थिंक 750 का मिल रहा था प्लस 200 इसकी डीसी थी। तो ये कितना हो जाता है 750 प्लस 200 850 का मुझे ये पड़ता। और मैंने ये लोकल मार्केट से जाके लिया तो मुझे ये जस्ट 600 का मिला, और वो भी उसमें वो सारे शेड जो मेरी अपनी पसंद के थे, मैंने अपनी पसंद से सारे शेड इसमें मिक्स करके अपनी एक सेटिंग बना ली। तो ये वजह थी जो मैंने जो है ना इसको लोकल मार्केट से लिया, और क्वालिटी इसकी बहुत औसम है। और अगर ये ड्राई हो गया, ये देखें ये वाला ड्राई हो गया, ये देखें मैं इसको टच भी कर रही हूँ तो ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा। ठीक है मैं आपको सारे दिखाती हूँ, ये वाले अभी ड्राई नहीं हुए, ये थोड़े से अभी हैं। ठीक है बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो अगर आप लोग भी अगर ये लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने पैसे बचाएं और अगर आप किसी और काम से मार्केट जा रहे हैं तो जो है ना वो हैंग फेंग जो है वो अपने साथ ज़रूर लेते हुए आएँ, क्योंकि इससे जो है ना आपको अपनी सेटिंग मिल अपनी पसंद की सेटिंग मिल जाएगी। सेकेंड ये कि आपके डी सी बच जाएगी। थर्ड ये कि आपको 200-300 रुपये तो बचेंगे ही बचेंगे। लाइक मुझे अगर मैं ये किसी पेज से मंगवाती तो मेरा ये 950 बनता, मैंने खुद जाके लिया मार्केट से तो मुझे ये 550 या 600 में पूरी सेटिंग मिल गई है। तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, लगाने में बहुत ही जो है ना वो इसको इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको आई शेड्स लगाना नहीं आता उनके लिए तो बहुत ही मज़े की चीज़ है। बस आपने एक ट्रांजिशन कलर लगाया और उसके बाद आपने ये आई शेड लगा लिया अपनी लिड पे आईलिड पे और आप रेडी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो हैंग फेंग ग्लिटर आई शेडो के बारे में। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको बाय करें, बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द, और जब तक जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।